अभी हम आए हैं मुत्तू पंडित भाई के पास, जो कि यहाँ पे बर्मी स्टाइल राइस नूडल्स बनाते हैं। भैया इसको क्या कहते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? अत्तो। आप कुछ और खाओ ना खाओ, ये बन परोटा जो है ये जरूर खाओ। हम अभी आ गए हैं एक बहुत ही फेमस दुकान पे। दादाजी ने 1947 में शुरू किया था, 1947 में अक्टूबर 20th। चाय के साथ सुबह बन मक्खन बहुत खाए है, पर यहाँ पे बटर बन बनाते हैं। सात्विक फूड है हमारा, मंदिर के बिल्कुल मीनाक्षी मंदिर के पास। और भाई साहब अभी हम आगे यहाँ के सराफा बाजार में, जहाँ पे मॉडर्न रेस्टोरेंट है। और भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पे तो वेट लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। पहले उधर क्रॉस करते हैं फिर जाते हैं, यहाँ पे तो वेटिंग चालू है भाई साहब। आओ देखते हैं भाई, बहुत कमाल है यार इस शहर की। सड़क क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है वेटिंग चालू है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ मॉडर्न रेस्टोरेंट्स के अंदर, और यहाँ पे जो वाइब है, जो यहाँ पे माहौल है, बहुत ज्यादा कमाल है। खाना एकदम नेक्स्ट लेवल का है, और इस जगह को कहा जाता है द प्राइड ऑफ मदुरई। ऐसा क्यों कहते हैं आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक याद से कर देना भाई। अभी हम है अश्वथ जी के पास, जो हमें दिखाने वाले हैं मॉडर्न रेस्टोरेंट्स की किचन। कैसे हैं सर? फाइन फाइन। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे बताइए, ये जो आप प्राइस के बारे में बता रहे थे, क्या स्पेशल है सर? नहीं, अभी यहाँ जो आइटम्स बनता है सब ट्रेडिशनल वे, पुराने जो मेथड है उसमें उसी से बनता है। हमारे पास जो नए तरीके का मशीन जो है वो अभी हम यूज नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो ट्रेडिशनल का टेस्ट बदल जाता है, इसलिए हम पुराने तरीके से अभी भी कुक करते हैं। अभी भी पतीले के ऊपर राइस जो है उसको बॉईल करते हैं, कोई मशीन, कोई और तरीके का सिस्टम, कोई भी चीजें यूज नहीं करते। एंड सर यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? हमारा स्पेशलिटी है पूरा साउथ इंडियन आइटम, सब पुराने मेथड में ट्रेडिशनल मेथड में जो कर रहे हैं। वी डोंट यूज एनी ड्राई पाउडर, उसी टाइम जो बनता है तभी हम उसका मसाला बना के, वी आर मेकिंग वेट मसाला, देन वी एड इट टू द आइटम, इधर फॉर सांबर और रसम और एनी काइंड ऑफ ग्रेवी व्हाट वी मेक। मोस्ट ऑफ द आइटम्स विल बी डन ओनली इन द ट्रेडिशनल मेथड। इट्स अ सात्विक फूड बिकॉज वी आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द टेम्पल। सात्विक फूड है हमारा, मंदिर के बिल्कुल मीनाक्षी मंदिर के पास है। कई तरीके के लोग इधर आते हैं पूरी भारत से, तो उनके लिए जो हम खाना बनाते हैं उसका तबीयत खराब नहीं होने का, जब वो खाना खाता है जी उसका तबीयत खराब नहीं होने का, इसलिए हम सात्विक फूड बना रहे हैं। अश्वथ जी आप दिखाइए आज क्या क्या सब्जियां जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये चपाती है जी, दिस इज कॉल्ड वत्तकुलम्बो। अच्छा इसको ये क्या होता है? ये चावल में जैसे सांबर डाल के बना खाते हैं जी, ये थोड़ा इमली से बनता है जी, ज्यादा ग्रेवी जैसा होता है, एकदम गाढ़ी ग्रेवी है। हाँ। और ये क्या है? ये बटर मिल्क है। ये बटर मिल्क है। हाँ। और इधर क्या बन रहा है? ये चपाती बन रहा है। ये बन रही है जी चपाती। ये है भाई साहब भिंडी की सब्जी, और भाई ये ग्रेवी वाली भिंडी है। अरे वाह, बीन्स। That's beans. Yes. Superb. It's ये नारियल के साथ तड़का बनाया है। जी जी जी। बैंगन और चना। बैंगन और चना। हाँ। भाई साहब ये बैंगन और चने की सब्जी है, ये देखो कितनी कमाल लग रही है यार। ये इमली का रस डाल के बैंगन और चना के साथ उसमें तड़का बनाते हैं नारियल। अरे वाह क्या बात। ये है भाई साहब सांबर। सांबर मूली गाजर ड्रमस्टिक जी सब डाल के, ये है रसम। और इधर है जी रसम। हाँ रसम। ये बिरयानी है। अच्छा बिरयानी जी। और कुर्मा है। कुर्मा भी दिखा दीजिए, एक बार चला के दिखा दीजिए। ये देखो भाई एकदम बढ़िया कुर्मा जो है वो प्रिपेयर्ड है। केसरी पाक। ओ ये केसरी पाक है यार, वाह 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 कमाल लग रहा है। ये हमारा बहुत स्पेशल आइटम है। और इधर ये पापड़ है। पापड़ बनता है, कर्ड राइस है। ये है भाई साहब एकदम बढ़िया बने हुए कर्ड राइस, कमाल। ये रायता। ये है जी रायता, मिक्सर रायता। वाह 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 कमाल। और इधर देखो बन पराठा, मदुरई का सबसे ज्यादा फेमस बन पराठा, और साथ में ये चपाती। ये तो कमाल ही हो गया यार, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जब ऑर्डर आता है हम बनाते हैं फ्राइड राइस नूडल्स और चिली पराठा। हाँ जी वो भी बनाते हैं। और शाम को आपको मिलेगा चना भटूरा। अच्छा वो सब मिलेगा। दादाजी ने 1947 में शुरू किया था, 1947 में अक्टूबर 20th ही स्टार्टेड दैट। माय डैड ही टुक ओवर देन, नाउ वी आर द थर्ड जनरेशन, वी आर मैनेजिंग द शो नाउ। उन्होंने जब शुरू किया था बता रहे थे कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एक्टर्स यहाँ पे आते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, वी हैव कैटर्ड एवरीवन, वी हैव कैटर्ड सर सी वी रमन, राधाकृष्णन जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल द सेलिब्रिटीज, ऑल पॉलिटिशियंस, टिल नाउ इवन मिस्टर ऑल क्रिकेटर्स, सिनी इंडस्ट्री पीपल, दे ऑल यूज्ड टू कम। सो
everyone loves the food. Yes. So what's your favorite thing to eat here? Sir, our sambar is very unique. Right. Apna kesari is unique. Ji. All South Indian khana is unique. So आपका जो सांबार है उसके साथ कुछ भी खाओ वो मजा आएगा. Yes. And जो यहाँ पे हमारा पोंगल है जी, सांबार है जी, पूरी है जी, पूरी का सब्जी है जी, सब ट्रेडिशनल होता है. बहुत बढ़िया. तो आइए सर, एंजॉय करते हैं मील को. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. आप यहाँ पे भीड़ देख के जज करो कि कितने लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ का खाना पसंद करते हैं. भाई वेटिंग है यहाँ पे, आपको तो पता ही है. भाई साहब सबसे पहला जो पार्ट आया है हमारी मील का वो है जी ये केसरी पाक. जबरदस्त यार. और यहाँ पे भाई इतनी भीड़ है, इतनी वेटिंग है कि एक टेबल के ऊपर चार अलग अलग लोग जो हैं, अलग मतलब एक दूसरे को जानते नहीं है, ऐसे लोग आके आराम से बैठ के खाते हैं. मतलब यहाँ पे अननोन लोगों के साथ आप बैठ के आराम से खाना खाते हो और सबको इंजॉय कर रहे हैं. इस टेबल में मेरे साथ दो और लोग बैठे हैं और वो दो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते और मुझे नहीं जानते. बहुत कमाल वाइब है. खाना सबको जोड़ता है. तो भाई ये क्या है सर? कोरियल. एंड ये कोरियल पचड़ी. और ये क्या है? भिंडी. और ये पोरियल. पोरियल क्या होता है? बीन्स. ओके. एंड ये क्या है? हाँ ओके. ये एक करी है, परियल बोल रहे हैं इसको. ये बीन्स है और भाई ये भिंडी की सब्जी है. और ये मेरा फेवरेट, ये मेरा फेवरेट होने वाला है भाई. ये बहुत जबरदस्त लग रहा है. ये आ गए हमारे राइस. ये मुझे बासमती स्टाइल के लगे. बासमती है आर आर राइस है. ये बासमती नहीं है, लग बासमती जैसे रहे हैं, बट जो हमने कन्याकुमारी में खाए थे वो थोड़े अलग थे. ये बासमती का टुकड़ा जैसे होता है ना वैसा लग रहा है और इसमें खुशबू नहीं है. और भाई अब आ रहा है लोडेड काम. ये आ गई चपाती और इसके साथ ये रायता और ये भाई पाक और ये कोरमा एंड ये पौड़ी. अरे वाह. और साथ में ये देसी घी. ओ हो क्या बात है यार, ये आया मज़ा. अब शुरू करते हैं इसको. तो सबसे पहले भाई साहब ये बनाते हैं पोड़ी और घी का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन. एंड ओए होए होए होए, पोड़ी आते ही ना एकदम कमाल ही हो गया यार. भाई साहब हियर इज अ बाइट. एकदम फ्रेश देसी घी है, कमाल फ्लेवर है यार. और पोड़ी बहुत सटल मसाले हैं पोड़ी में. और भाई पोड़ी का बेस्ट पार्ट क्या है, एक सौंधा सा फ्लेवर है वो जो दाल डालते हैं ना इसमें, कमाल है. क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हिंदी में समझाइए. हाँ हाँ हाँ. नहीं नहीं करना है. आप कहाँ से? अच्छा मद्रास. चेन्नई. बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार. खाना बहुत कमाल है और यहाँ पे बहुत अच्छा है. आप गेस करो, आप गेस करो, आपको मैं किधर से लग रहा हूँ? मैं किधर से लग रहा हूँ? पंजाब. ये देखो भाई कमाल, एकदम जबरदस्त. ये पोड़ी राइस साथ में देसी घी, क्या बात है. ये जो भिंडी की सब्जी है ना जो तरी वाली, ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ. तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड यहाँ से एक बाइट बनाते हैं. हियर इज अ बाइट. ओह ये तरी में ना किसी तरीके से शायद इमली डाली हुई है. खटास बहुत कमाल है यार, राई का तड़का लगाया हुआ है. भिंडी में इमली है ना, भिंडी में उन्होंने इमली डाल रखी, उसकी खटास बहुत कमाल है. ये एक बीन्स की सब्जी है, ये भी मिक्स कर लेते हैं भाई साहब. हियर इज अ बीन्स की सब्जी और साथ में राइस. अपने पंजाब में जैसे ग्वारे वाली फलियाँ होती है ना वैसा सा फ्लेवर आया बीन्स में से. ग्वारे वाली फलियों का फ्लेवर है एग्जैक्ट. ये मील एक्चुअल में
एकदम सात्विक मील है, बहुत कमाल है यार। चपाती के साथ यहाँ पे ना थोड़ा कोरमा भी डालते हैं, चपाती के साथ कोरमा। ये कोरमा एक्चुअली राइस के साथ खाया जा सकता है यार, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, कमाल है। काजू और मगज की ग्रेवी है और उसकी वजह से क्या कमाल हो गया कोरमा। वेजिटेबल कोरमा और अभी तक सांभर, अभी तक देखो सांभर और दाल तो आया भी नहीं है, इतना मज़ा इसमें। भिंडी बहुत स्वाद है यार, ये सबसे ज़्यादा कमाल सब्जी है, वाह। और सांभर, ओए होए होए होए, अब आया मज़ा। बस 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 भाई साहब, कोरमा और सांभर थोड़ा मिक्स हो गया, ये अब थोड़ा राइस जो है ना ढीले ढीले हो गए, बट हियर्स अ और भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सब खा लें और ये बढ़िया केसरी पाक ना खाएं। देसी घी में बनाया हुआ है और इसमें सूजी है और गुड़ है और केसर है। हाँ हाँ हाँ, आपका नाम? नाम प्रभाकरण जी हमें बता रहे हैं कि जो कैश काउंटर है ये बहुत पुराना है, 77 इयर्स। ओ वाओ, ऐसा भी 77 साल पुराना कैश काउंटर है और इस पे जो है आज भी इनके दादाजी का है और इस पे आज भी जितना भी बिलिंग है इसी पे होती है, कमाल है यार। यहाँ पे ना भाई मदुरई में जो कल्चर है और जो खाना खिलाने का तरीका है ना, इतना इनवाइटिंग है कि जब भी आप यहाँ पे आओगे आपका मन करेगा कि यहीं पे खाना है। बहुत कमाल भाई है, बहुत जबरदस्त है, आके यहाँ पे ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया तू नेक्स्ट लेवल है यार। और भाई साहब हमारी उबर आ गई फाइनली, 4882। हाउ लॉन्ग सर? जस्ट इन 10 मिनट्स सर, 10 मिनट्स, 3 या 4 किलोमीटर। ओके, अभी हम आए हैं मुत्तू पंडित भाई के पास जो कि यहाँ पे बर्मी स्टाइल राइस नूडल्स बनाते हैं। भैया इसको क्या कहते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? अत्तो। इसको कहते हैं जी अत्तो। और भाई सबसे पहले तो पूरा जो तवा है तेल से भर दिया अच्छे से। विच ऑयल? सनफ्लावर ऑयल। अभी जब बन रहे थे तो मैं सोच रहा था बहुत हेल्दी है यार राइस नूडल्स है, बट अब मैं थोड़ा कुछ और सोच रहा हूँ। प्याज और हरिया धनिया और ये आ गई कैबेज। ओ भाई कैबेज से तो लोड कर दिया पूरा। दिस इज हेल्दी है? Is this healthy? Because rice noodles. Yes. भाई साहब ये कह रहे हैं कि राइस नूडल्स है इसलिए हेल्दी है, बट अभी तो तवा जो है तेल प्याज हरिया धनिया और कैबेज से भर दिया है। थोड़ा सा हरिया धनिया और प्याज और आ गया। अब ये देखो ये कंस्ट्रक्शन वाले सामान से इसको अच्छे से ये काट के और मिक्स करेंगे। बर्मी स्टाइल के नूडल्स हैं, इसको अत्तो कहते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है मदुरई में। मुत्तू, हाउ लॉन्ग हैज इट बिन? हाउ लॉन्ग सिंस यू मेकिंग इट? 5 minutes. No, how many years? Practice? Experience? 2.5 years. 5 minutes में बन जाते हैं और 2.5 साल का experience है इनका। अत्तो मसाला, ये अत्तो मसाला है भाई। और ये आ गया नमक, और ये हो गया अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। और भाई साहब ये और ऑयल आ गया अभी तड़का लगाने के लिए, पता नहीं किस चीज़ को तड़का लगाएंगे। एग, अरे वाह भाई अब अंडे आ गए। और भाई साहब इसमें तो अंडे भर दिए, कितने अंडे आएंगे? हाउ मेनी एग? 10 eggs. एंड नाउ ये सब मिक्स हो जाएगा भाई, ये जितनी सब्जियां थी अंडे सब मिक्स हो जाएगा। और भाई साहब अब आएंगे इनमें भर भर के नूडल्स। नूडल्स का रंग ही येलो होता है, मैं पूछ रहा था, मुझे लगा शायद हल्दी वाले पानी में भिगोते हैं, पर नहीं इसका रंग ही ऐसा है। और ये आ गई सॉसेस। विच सॉस? टोमेटो। ये आ गया प्याज और हरिया धनिया, ये सोया सॉस। और भाई अब अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। एक प्लेट जो है अब लगवाते हैं। गिव मी द सिंपल वन, ये चिकन वाला है, ये चिकन, गिव मी सिंपल वन। कोई सॉस आई है और ये टमेटो केचप और ऊपर से भाई साहब ये हरिया धनिया और प्याज और ये क्रम्स है ऊपर से, इसको क्या कहते हैं? बेंजो, पेजो, बर्मीज पेजो। और जैसे हमने सूरत में सूप पिया था ना, उसमें जो हमने खाए थे, मुझे लग रहा है वैसे ही क्रंचीज हैं कोई और अच्छे लग रहे हैं। ये आ गए आपके अत्तो प्लेट के अंदर, ये बहुत जबरदस्त लग रहे हैं यार।
ऊपर से प्याज और हरिया धनिया भर भर के, एंड दिस इज 80 रुपीज राइट? 90 वेजेस इज 80, सो ये है जी 90 रुपए के एग वाले, अभी ट्राई करते हैं। फोक देना चाहिए बट फोक नहीं दिया है, तो अब मैं नेट पिकिंग करने लग गया क्योंकि आप सबने बोला था कि भाई थोड़ा क्रिटिसिज्म भी तो दिखाया करो अपना, तो चम्मच नहीं है फोक है, बट ये एक बाइट लेते हैं हम यहाँ से। हियर इज अ बाइट ऑफ आतो, वैसे इन्होंने वो चिली सॉस और सोया सॉस डाली थी तो उससे मुझे लग रहा था अपने नूडल्स जैसा फ्लेवर होगा, बट वो जो पहले मसाला डाला है उसकी वजह से एकदम ही अलग फ्लेवर है, ऐसा लग रहा है सेवियाँ बनाई हैं, जैसे घर पे सेवियाँ बनती हैं ना वैसा फ्लेवर है, यूनिक है, अलग है, बट जैसे ये बता रहे हैं कि हेल्दी है, भाई हेल्दी नहीं है, पाम ऑयल से भर के है, बट टेस्ट अच्छा है। चीट मील पे खाओगे मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। यहाँ पे अभी हमने देखा है बहुत ज्यादा फेमस है बटर बन, तो वो भी आपको दिखाते हैं। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो। इंग्लिश? ओके तमिल। व्हाट इज इट? बटर बन। बटर बन, मेक इट, मेक मदुरई स्पेशल, मेक इट नो। तो यहाँ पे भाई साहब मदुरई स्पेशल बटर बन जो है वो बनाते हैं, व्हाइट मक्खन लगा के बन के अंदर, स्वीट बन, स्वीट स्वीट बन, इसके अंदर चीनी लगा के, और भाई ये भी मदुरई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, पूरा जो है यहाँ पे अलग ही वाइब है। बटर बन वैसे तो हमने चाय के साथ सुबह बन मक्खन बहुत खाया है, पर यहाँ पे बटर बन बनाते हैं, ये देखो बन को बीच में से काट के और ये मक्खन वाइट मक्खन लगा के। विश्वा ग्रंडे इतना तो आ गया मुझे ये मक्खन और ये चीनी और ये बन, भाई साहब पत्ते के ऊपर सर्व करने का जो अंदाज है वो थोड़ा कैजुअल है, बाकी बहुत कमाल है, भर भर के मक्खन, ओए क्या बात है भाई। हाउ मच? 25 वन पीस 25 नेचुरली ही सर्व्स इट ऑन द लीफ राइट, और भाई पत्ते के ऊपर सर्व करते हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा फेमस है, अदरवाइज टेस्ट तो वही है भाई अपना। ये उठाया पत्ता, ये 10 का बन हुआ 25 का, ऊपर से लगाया मक्खन, ये भाई चीनी भर के, और ये किसी और को दे दिया भैया हमें। आई ऑल्सो वॉन्ट वन गिव बटर बन, या गिव गिव वन, आई ईट पीस, या आई ईट, यस वन पीस, वन पीस, ओके 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 समझ गए भाई समझ गए, पीस खाना का मुझे। आप बोलोगे जैसे रसगुल्ले में शीरा होता है ना उतना मक्खन इसके अंदर भर चुका है, और अब तो भाई साहब ये पिचकाने वाला हो गया है, इसकी करारापन खस्तापन तो खत्म और मक्खन भाई मेरी शक्ल पे लिखा है इसको मक्खन खिलाओ। भाई साहब थोड़ा ट्राई करते हैं, ये लिटरली सोचो कि रसगुल्ला बन गया है, जैसे रसगुल्ले में शीरा होता है इसमें मक्खन है भाई, मतलब ये इसका ये देखो, ओहो ओ भाई साहब हियर इज, देखो पेशे से वैसे तो हम फूड ब्लॉगर्स हैं पर भाई ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है यार, इतना नहीं खा सकते, और मैं ट्राई करता हूँ। बचपन में जब रात को भूख लगती थी तो ब्रेड के अंदर मलाई और चीनी डाल के खाते थे ना, एग्जैक्ट वही टेस्ट है, बट ये आपको स्ट्रीट पे मिलेगा इसलिए स्पेशल है, और मदुरई वालों के लिए ये नॉस्टैल्जिया का पार्ट है इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। भाई साहब यहाँ पे लिटरली लोग जो है वो लाइन लगा के खड़े हैं और हर कोई अपने अपने बन मक्खन का वेट कर रहा है, बन बटर बन या मक्खन बन जो भी बोल लो इसको है वही चीज, और मक्खन इसमें इतना भर भर के लगा रहे हैं वाइट मक्खन, वो भी कमाल है भाई, जबरदस्त है। आप जब मदुरई आओ तो 5-6 लोग एक जरूर ट्राई करना, और भाई साहब इतना बढ़िया स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते करते अगर हम मदुरई में बन परोठा नहीं खाते ना तो भाई ये वीडियो अधूरी है। तो हम आए मीनाक्षी बन परोठा में, जहाँ पे भाई साहब बन परोठा के लिए भीड़ दिखाऊं, ये देखो पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत लोगों ने रेकमेंड किया, तो आपको दिखाते हैं क्या स्पेशल। मदुरई में आके आप कुछ और खाओ ना खाओ ये बन परोठा जो है ये जरूर खाओ। हम अभी आ गए एक बहुत ही फेमस दुकान पे और यहाँ पे बन परोठे बिकते हैं भाई साहब जबरदस्त तरीके के, ये देखो अभी तो फिलहाल जो है परोठे बन के तैयार हो रहे हैं, पर आपको मैं पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ ये परोठे ऐसे बनते कैसे हैं, एकदम बन जैसा लग रहा है इसको, एक्चुअल में बन परोठा कहते हैं भाई, कमाल लग रहा है ये। इसके साथ अंडा, एग परोठा,
और ये मुझे लग रहा है उसका परोठे को ना क्रश करके जो उसकी जो चूरा निकलता है वो डाल दिया है, और साथ में एक ग्रेवी आ गई है भाई, कमाल है। एंड इसको बड़े से तवे पे, मोटे से तवे पे, कम से कम मुझे लग रहा है 50-60 किलो का तवा होगा, उस पर कुक कर रहे हैं। ये इधर बन रहे हैं बंस और बन परोठा, और पीछे से आपको अभी दिखाते हैं कि बनाते कैसे, आ जाओ। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, सबसे पहले तो पेड़ा लेके इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा के फ्लैट कर दिया है, और अब इसको ये घुमा के पछाड़ के जैसे धोबी कपड़े सुखाता है उस तरीके से, और भाई ये रैप करके फ्लफी बन बना के और ये रख दिया, और पीछे इसकी हो रही है पिटाई। ओहो हो भाई साहब बहुत गुस्से में देख रहे हैं, इधर हो रहा है फुल एक्शन भाई। ये देखो ये इसको अच्छे से धोबी पछाड़ करके और फिर इसको ये रैप करके एक टाई की तरह, और फिर ये रख देते हैं। दुलेती वे आई होय, चक्कर भाई होय, आगे मुझे नहीं आता होय। भाई जी ढोल बजाइए ने, बहुत बढ़िया बढ़िया। और ये देखो भाई इधर ये चिकन और अंडे का कॉम्बिनेशन, एग एग चिकन, ओनली एग, ओनली एग। ओ भाई पूरा पिटाई वाला मामला है यहाँ पे, और ये कड़ी पत्ता डाल के ये तवा रेडी कर लिया, मैं उधर आता हूँ। ये आ गए भाई साहब आपके फ्लफी बंस, वो जो उधर अभी रैप किए थे धोबी पछाड़ करके, वो इधर तवे के ऊपर डाल दिए जाएंगे। और देखो अभी आपको देखने में लग रहा होगा साइजेस अलग अलग है, बट जैसे ही बन के निकलेंगे तो सेम हो जाएंगे। ये देखो भाई साहब ये सारे के सारे बन परोठे जो हैं वो आ गए तवे के ऊपर। और ये क्या बन रहा है भैया, ये क्या है, वो इज दैट, हाँ चिकन तरी डोसा। भाई सब पूरा एक्शन के साथ किचन जो है इनकी तैयार है, बढ़िया जबरदस्त बन। ओ ये देखो रंग आ गया, वाह। कमाल होगी यार, जबरदस्त लग रहे हैं। अब देखो अब सबके साइजेस आपको सिमिलर लगेंगे। एक बार फाइनल इसको करने से पहले इसकी पिटाई होती है, और जितना ये चूरा निकाल रहे हैं भाई साहब, वाह। ये आ गया हमारा बन परोठा, ये देखो ये टेबल के ऊपर, और भाई कमाल लग रहा है यार, जैसे हमने वीडियो बनाई थी वैसे ही लग रहा है। ये चिकन का सालन है इसके ओ भाई ये बन के ऊपर ही आ गया, बन परोठे के ऊपर। एंड अब इसको ट्राई करना है गर्मा गर्म है एकदम, एंड यहाँ से बाइट लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे परोठे बनाते कि रसगुल्ले बनाते ये नहीं समझ में आ रहा, एकदम भरा हुआ है अच्छे से ऑयल से, और इसको अच्छे से ये भिगो के सालन में। एंड थोड़ी सी पिटाई मैं अपनी तरफ से भी कर देता हूँ, ये बच्चा होशियार नहीं है। हियर इज बाइट ऑफ द स्पेशल बहुत ही ज़्यादा फेमस बन परोठा विद चिकन सालन, हियर गोज। जो मैदा है उसमें नमक और कुछ मसाले ऑलरेडी डाल रखे हैं, और ऊपर से जो फ्लेवर आया है वो जो तेल का, वो भाई साहब एकदम क्रंची और क्रिस्पी जो हो गया है, फ्राई हो गया, कमाल फ्लेवर हो गया है। के साथ सालन बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। ये देखो एकदम लच्छे जो है ना, ये परोठे के लच्छे देखो, ये मतलब जितना उन्होंने उस पर मेहनत करी है उसकी सारी रंगत जो अंदर आ जाएगी, कमाल लग रहा है यार एकदम। ये स्पेशल चिकन सालन और आ गया भाई, और भाई ये देखो ये अच्छे से डिप करके इसमें ये है ना, हियर इज कमाल।